हेलो और नमस्ते, मैं नेरीन और आज मैं आपको अपने प्लांट्स की कटिंग की ग्रोथ दिखाने वाली हूँ, उनका अपडेट एक्चुअली। और ये सारी कटिंग्स मैंने 2 महीने से लेके लगभग 1 हफ्ते तक के अंदर की होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा सेंसिवेरिया या मदर्स इन लॉज टंग्स का कटिंग। और ये काफ़ी सारे हैं एक्चुअली। मेरा पौधा जो है वो सड़ रहा था एक्चुअली, तो उसके जो पत्ते थे वो मुरझा रहे थे, तो मैंने उनको कट करके ही लगाना बेहतर समझा। फिर यहाँ मैंने शेफलेरा उगाने की कोशिश की थी, वेरीगेटेड शेफलेरा, और ये ठीक ठाक हो भी रहा था, लेकिन मैंने लोकेशन चेंज की तो अब ये भी नहीं बचा। इसमें 2 कटिंग्स थी इनिशियल टाइम पे, और ये तो मैं काफ़ी टाइम से उगा रही हूँ, इसको तो शायद 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा। ये सब मेरी, ये भी सेंसिवेरिया की ही कटिंग है, लेकिन ये है कि ये सारी की सारी में आएगा प्लांट, क्योंकि पत्ता देखिए अभी भी अलाइव है, सूखा नहीं है और ना ही सड़ा है, तो इसमें से महीने लग सकते हैं, लेकिन मुझे पता है प्लांट आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे है मेरी बोगनवेलियास की कटिंग्स, और ये सारी की सारी ही बोगनवेलियास है, कुछ ऑरेंज, कुछ वाइट और कुछ पिंक भी, जिसमें से एक ये उग गया है यहाँ पे, एक पीछे साइड में हो गया है और एक इस तरफ हो गया है। तो ये 3 बोगनवेलियास हो पाए हैं पूरे में से, और ये हैं कितने, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 3 हो गए हैं। देखिए इसके छोटे छोटे पत्ते, और ये अभी तक सरवाइव कर गए हैं, यानी इनमें रूटिंग भी आएगी और टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है लेकिन होगा। तो मैं ऐसे ही उगाती रहूँगी, और इसको मैंने सैंड में उगाया है, और मैं कटिंग सैंड में ही उगाती हूँ अब कुछ टाइम से, मतलब कुछ महीने से, मतलब ये इस टाइम के जितनी कटिंग्स हैं मैं सैंड में ही उगा रही हूँ। और ये है मेरा स्पाइडर प्लांट की बेबी प्लांट्स ही हैं, इनमें रूटिंग अभी हुई नहीं थी, लेकिन मुझे चाहिए था कि वो पौधा बुशी हो जाए, तो मैंने इनको कट करके लगा ही लिया कि इनके नए प्लांट आ जाए और उधर उसकी भी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। और ये मेरा सबसे पहला बोगनवेलिया की कटिंग वाला पॉट है, और इसमें सिर्फ बोगनवेलिया ही नहीं है, बाकी प्लांट भी हैं, लेकिन जिनमें ज़्यादातर पत्ते नज़र आ रहे हैं ना आपको, जैसे यहाँ पे ये वाला है, इधर इस तरफ ये दिख रहा है ये, और इनकी भी बात है, और फिर इनके भी, इनको भी देख लीजिए, ये रोज़ की कटिंग है, यहाँ पे स्नेक प्लांट की कटिंग है, और फिर ये भी बोगनवेलिया है, और ये सब मैंने आसपास के समय पे ही लगाए थे। बोगनवेलिया में से तो अच्छे पत्ते आ रहे हैं, और ये क्रोटोन है, अब मुझे नहीं पता ये स्टार्डस क्रोटोन है या फिर जो रेगुलर क्रोटोन हमें मिलते हैं वो वाला है, आई डोंट नो, और मुझे लगा नहीं था ये होगा, लेकिन देखिए ग्रोथ इसमें आ रही है, वहीं से पत्ते निकल के आएंगे। फिर ये मेरा बोगनवेलिया बीच में, नहीं ये बोगनवेलिया नहीं है यार, ये मुझे नहीं पता क्या है, और बचेगा कि नहीं, लेकिन मैं उसको निकालूंगी नहीं। और ये तो रोज़ की कटिंग है, और काफ़ी सारे सूख भी गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे हो रहे हैं, और बिलीव मी इतनी सारी कटिंग्स मेरी एक साथ पहले तो नहीं उगी हैं, और ये फर्स्ट टाइम है कि इतनी सारी कटिंग, स्पेशली बोगनवेलिया की, क्योंकि मैंने बोगनवेलिया जब मेरे पास नहीं था तो मैंने बहुत कोशिश की थी कटिंग से ग्रो करने की, तब नहीं हुए थे, मैं पार्क से लेके आई थी उनको। और ये गुड़हल की कटिंग्स हैं, 4 हैं, एक डाली थी उसी के मैंने 4 टुकड़े करके लगाए हुए हैं, और ये वो जो घने वाले गुड़हल होती है ना, जो घनी घनी रेड रेड होती है, ये उसकी कटिंग है, बाकी मेरे घर पे तो पेड़ है ही रेगुलर वाले गुड़हल का, लेकिन मैंने सोचा ये भी उगाती हूँ ताकि मैं इनको अपने टेरेस पे रख सकूँ। देखिए इनकी ग्रीन वाले स्टेम में तो पत्ते भी हो गए हैं, इन दोनों का अभी मुझे आइडिया नहीं है, होप सो सारे ही हो जाएँ, क्योंकि इसमें से 3 की तो हो गई है, मतलब 3 ने पकड़ लिया है। और ये ओवरऑल इनको मैंने शेड में रखा है, बीच में मैंने इनको बाकी प्लांट्स के साथ रखा हुआ था, लेकिन मैं इनको फिर से शेड में लेके आ गई। और यहाँ पे मेरी बाकी कटिंग्स, ये स्पाइडर प्लांट में ही निकल रहे थे उसके पप्स, तो मैंने डाली काट के लगा दी है, तो इनको भी पानी चाहिए वैसे, और मैंने लगा दिया है, लेट्स सी हो जाएंगे तो बेहतर ही है, और एक भी नहीं छोड़ा मैंने, इवन जो छोटे छोटे से होते हैं उसको भी लगा दिया, यू नेवर नो, ये भी हो ही सकते हैं, क्यों नहीं, चांसेस तो है ही ना, तो ये हो जाए घना तो अच्छा है, क्योंकि मैं इंडोर रखना चाहती हूँ। फिर ये मेरा कोलियस का, एक्चुअली मैं इसका कटिंग नहीं लगाना चाहती थी, ये प्लांट ही था, जैसे ये 2 प्लांट है वैसे ये वाला भी प्लांट ही था, लेकिन इसकी डाली ना इधर से उधर लगाने में टूट गई तो मैंने फेंका नहीं उसको, मैंने बगल में इसको फिर से लगा दिया, क्योंकि कोलियस भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और बहुत तेज़ी से उसमें प्लांट मीन्स उसकी रूटिंग हो जाती है।
फिर ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, और ये क्योंकि मर भी नहीं रहा है और ठीक से बच भी नहीं रहा है, लेकिन अभी मैंने इसको बस छोड़ दिया है इसके हाल पे। एंड फिर ये वाला देखिए आप, ये है पर्पल्स हार्ट, और इसको मैंने इस कैन में लगा रखा है। इसकी कटिंग्स दो ही लगाई थी, दोनों हो ही गई है, और मैं बाद में शायद इसको चेंज करूँ, लेकिन सो फार ठीक है। एक तो ये कैन भी रीयूज़ हो गई और यहाँ मैंने पर्पल हार्ट लगा दिया है, और ये प्लांट एक्चुअली में मुझे पसंद है। और मार्केट में इसे 15 रुपीज़ का मिला था मुझे, महंगा नहीं होता है और ग्राउंड कवर वाला प्लांट है। फिर ये है मेरे नियोन पोथूस, इनको मैंने पहले पानी में उगाया था, फिर मैंने इनको मिट्टी में कर दिया है, और इनके पत्तों पे कीड़ा लग गया था, और जैसे हाँ हाँ देखिए कीड़ा लग गया था, और मीन्स जो भी है एक दो पत्ते जो हैं वो सर्वाइव नहीं किए, लेकिन ठीक है ये प्लांट। और ये मैं फिलोडेंड्रॉन ही उगा रही हूँ, और इसके साथ में ये पर्पल हार्ट की कटिंग। तो ये यहाँ पे दो कटिंग्स है एक्चुअली में फिलोडेंड्रॉन की। तो ये वाली जो है देखिए, इसका पत्ता ऐसे सीधा सा है ना, यानी इसमें से ग्रोथ होगी, इसमें से कुछ टाइम में नॉड में से नया पत्ता आएगा, लेकिन इसका चांस स्लिम है। लेकिन ये सूख भी नहीं रहा है कम्प्लीटली, तो जान है तो जहान है, तो लेट्स सी, ये पत्ते ना भी बचे तो चांसेस है कि नई ग्रोथ फिर भी आ जाएगी। फिर ये कोई साग है, मीन्स मुझे इसका नाम नहीं पता है, ये मेरी एक नेबर आंटी ने मेरी मम्मी को दिया था, तो मैंने लगा लिया। स्टार्टिंग में तो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था, फिर मैं इसको पानी शायद देना मिस हो गया कि क्या, तब से थोड़ा मुरझाया लग रहा है, पर उससे भी मुझे काफ़ी होप है कि वो सर्वाइव करे। देन ये मेरा सिंगोनियम है, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है इनमें। इसका तो प्लांट का एक्चुअली मैं आपको कटिंग का वीडियो है मेरे चैनल पे, जब मेरा प्लांट बुशी हो गया था तब मैंने उसको निकाल के यहाँ लगा दिया। फिर ये है मेरा सेंसिवेरिया, मैं बता रही थी ना कि जो सड़ रहा था एक्चुअली में, तो उसके पत्ते जो गल गए वो मैंने निकाल दिया, और ये जो बच्चा था इसकी जड़ इवन कट करके मैंने वापस लगा दिए, तो देखिए इसमें से नई ग्रोथ आ गई है प्लांट की, और वो पत्ता भी सही सही बढ़ गया। फिर ये थूजा है मोर पंखी की कटिंग, और इसको तो मैंने ट्रेंड देखते हुए एलोवेरा के साथ लगाया हुआ है, वो जो एलोवेरा काट के लगाते हैं ना वैसे ही, देखती हूँ क्या होता है, काफ़ी टाइम से ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन फिर यहाँ सेंस ये सिंगोनियम है, और ये लेमन ग्रास है, ये मैं छोटू सा प्लांट लेके आई थी, तो ये अभी 3 हो गए हैं, और मुझे पता है ये बुशी हो जाएगा, बीच में तो मुझे लगा था ये बचेगा भी नहीं, और कभी कभी देखती हूँ तो लगता है घास है।